विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की, जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे, सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें, पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं, अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं।
हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है, अंतर मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं, भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था, इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा, यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है, द्वंद्व साफ हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर मन बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं, पूरे दिल से। सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है, जिसमें आप भी हो। आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है, सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें, आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें,
आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें। अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले, इस भाव से तपर्पण करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। स्कूल में ही सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ टू थिंक, हाउ टू ऑब्जर्व, निरीक्षण कैसे करें, सोचें कैसे, क्योंकि लोगों को लगता नहीं ये भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कि सोचना भी सीखना पड़ता है, ये लोगों को आता ही नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। निर्णय लेते वक्त कैसे सोचें, तो निर्णय लेना तो आगे की बात है, मगर अभी उनसे एक्सरसाइज करवा के कोई उनको मनन की ट्रेनिंग दे, मनन की ट्रेनिंग अलग अलग प्रयोग करके, फन फन में, खेल खेल में लोगों को सीखना सिखाएं। सब्जेक्ट क्या है? सीखना सीखो। सीखना कैसे चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें सोचना कैसे चाहिए, जिसमें कल्पना का उपयोग कैसे करना चाहिए, रचनात्मक सोच में कल्पना का क्या उपयोग है, रचनात्मक कार्य, कोई चीज आप बना रहे हो, अगर ऐसे बनाए तो क्या होगा, ऐसे बना लिया तो क्या होगा। तो बच्चों को ये ट्रेनिंग मिले, आपके जो भी समस्या आती है ना, उसका सॉल्यूशन भी आया होता है, उसका सॉल्यूशन भी आ चुका होता है, मगर सिर्फ हमें पता नहीं होता और हम गौरवशाली जीवन से हट जाते हैं। तो धीरजशाली बनो, गौरवशाली बनने के लिए धीरजशाली, यानी मुझे आश्चर्य देखने, कुदरत कैसे परोस कर देती है ये आश्चर्य मुझे देखने, खुद को कहो, खुद को याद दिलाओ, सॉल्यूशन आ चुका है, अभी सिर्फ किधर से, किस गिफ्ट से निकलता है। अलग अलग परिस्थितियां है ना, गिफ्ट से हैं, गिफ्ट्स, प्रेजेंट कहते हैं उसको, प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान, प्रेजेंट, वर्तमान में कुछ और भी मिला है, उसमें से सॉल्यूशन है, तो मैं खोलूं तो सही उसको, पहले रोते धोते बैठूं, तुम जीना शुरू करो, वर्तमान में आ जाओ, वर्तमान में आप जीते हैं, पास्ट में आप नहीं जीते हैं, फ्यूचर में आप नहीं जीते हैं, आप वर्तमान में जीते हैं। तो वर्तमान में और क्या है, अटेंशन डायरेक्शन, अपना अटेंशन जो है ना, ध्यान जो है उसको दूसरी जगह लगाना है। जब आप थॉट्स देखते हो, थॉट्स, तब कैसे देखना है, अलर्टनेस के साथ। कैसी अलर्टनेस, अगर आपके सामने कोई फिल्म दिखाई जाए फास्ट फॉरवर्ड करके, कौन सी सीन देखनी है आपको, उस फिल्म में फिल्म का जो डायरेक्टर है वो 4-5 सेकंड के लिए दिखाया गया है और आपको ढूंढना है वो सीन किधर है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो, अलर्टनेस कैसी होगी, पिक्चर भाग रही है आप देख रहे हो और अचानक जहां वो डायरेक्टर आएगा आप कहेंगे ठहरो, ये वो पॉइंट है, उस पॉइंट पर जहां आपने कहा ठहरो, जब आप थॉट्स देख रहे हैं, थॉट्स के बीच में एक ऐसी पॉइंट आएगी जहां थॉट्स के बीच में गैप है, अंतराल है, वहां आपको ठहरना सीखना है। विचारों के बीच में विचार न आए ऐसी जिद मत करो, इस झंझट में मत पड़ो, ध्यान में बैठते तो बहुत विचार चलते, उन विचारों के बीच में कहां ठहरना है ये असली ध्यान सिखाता है। कैरम बोर्ड पर आप खेलते हैं ना, तो लाइंस खींची होती है, इन दो लाइन में ही आपको रखना है स्ट्राइकर को और खेलना है, इससे बाहर जाकर नहीं खेल सकते, तो एक लिमिटेशन रहती है, इसी में खेलो। तो आपके साथ और भी लोग खेल रहे हैं, किसी को लिमिटेशन ज्यादा है, किसी को कम है, अगर आपकी लिमिटेशन समाप्त हो गई तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। कुछ लोगों अपाहिज होते हैं, एक टांग है, आंखें नहीं है, या गूंगे हैं, या बहरे हैं, या बहुत बीमार रहते हैं, तो उनको बड़ा चैलेंज मिलता है
मगर हायर लेवल पर खेलने के लिए। जब आप वीडियो गेम खेलते हो ना, तो लेवल वन में सब आसान आसान रहता है, तो वह धीरे धीरे सब चलता है, आप अच्छे से स्कोर करते हो, फिर आप खुद ही लेवल बढ़ाते हो। तो जो भी लोग आपको ऐसे दिखते हैं ना, अपाहज है, अंधे, लंगड़े, लूले, ऐसे कोई भी लोग दिखते हैं, वो हाई लेवल पर खेल रहे हैं। जो लोगों को भी दिक्कतें हैं ना लाइफ में, वे सब याद कर लें इसको कि आप हाई लेवल पर खेल रहे हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।